2020 विषय संस्कृत कक्षा नवम एवं दशम दोनों ही आज कक्षाओं की सम्मिलित इकाई हो रही है। हमारा संस्कृत व्याकरण का टॉपिक चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में अब तक आपने दीर्घ संधि जो है वो पढ़ ली थी। दीर्घ संधि के पश्चात हमारी गुण संधि चल रही थी। गुण संधि में आपने पढ़ा था कि यदि अ या आ के पश्चात ई या दीर्घ ई हो तो वहां ए आदेश हो जाता है। उसके पश्चात आपने पढ़ा था दूसरा नियम अ या आ के पश्चात उ या दीर्घ उ हो तो वहां पर ओ हो जाता है। उसी तरह से तीसरा नियम था अ या आ के पश्चात यदि री हो तो वहां पर अर हो जाता है। और चौथा नियम था अ या आ के बाद यदि री हो तो वहां पर अल हो जाता है। इसमें आपका सबसे पहले जो है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो वहां पर ए हो जाता है, ये नियम चल रहा था। कल इसके उदाहरण किए थे तो कुछ उदाहरण जो है वो मैं आपको आगे और करवा रहा हूं। जैसे देखिए महाधन गणधन ईशा सर्वधन ईशा सुरधन ईशा दीनधन ईशा रमाधन ईश गंगाधन ईश्वर उमाधन ईशा महाधन ईशा सुरधन इंद्र। तो इस तरह से जो है अ या के पश्चात यदि लघु ई या दीर्घ ई हो तो वहां ए हो जाता है। जैसे गण धन ईश तो यहां पर बना गणेश, सर्वधन ईश तो बना सर्वेश, सुरधन ईश सुरेश, दीनधन ईश दिनेश, रमाधन ईश रमेश, गंगाधन ईश गंगेश्वर, उमाधन ईश उमेश, महाधन ईश महेश, सुरधन इंद्र सुरेंद्र। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है ये उदाहरण दिए गए हैं गुण संधि के प्रथम नियम के। अ या के बाद यदि लघु या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। जैसे गणधन ईश गणेश, सर्वधन ईश सर्वेश, सुरधन ईश सुरेश, दीनधन ईश दिनेश, रमाधन ईश रमेश, गंगाधन ईश्वर गंगेश्वर, उमाधन ईश उमेश, महाधन ईश महेश, सुरधन ईश इंद्र सुरेंद्र। तो इस तरह से जो है इसके ये कुछ उदाहरण है। आगे देखिए
में से यदि लघु उ या दीर्घ उ हो तो वहां पर ओ आदेश हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं जैसे महाधन उल्लासीन, नियम कहता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। हमारे पास में यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है। उल्लासीन पद में हम देख रहे हैं यहां पर कि लघु उ है। नियमानुसार अ या आ का योग यदि लघु या दीर्घ उ से हो तो वहां पर ओ आदेश होता है। तो ये आ और ये उ दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हुए। अब हमारे पास में यहां पर वर्ण बचे हैं म ह हलन ओ लासेन। नियम के अनुसार स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में मिलता है तो यहां पर बना महलासेन। तो इस तरह से जो है ये पद निर्मित होता है। यदि परीक्षा के दृष्टि से बात करें तो महाधन उल्लासेन पूछा जाता है तो आपको लिखना है महोल्लासेन, और यदि महोल्लासेन पूछा जाता है तो संधि विच्छेद करना है महाधन उल्लासेन, और आगे आपको जो है गुण संधि और ब्रैकेट में लिखना है अच संधि। तो इस तरह से जो है ये निष्पन्न होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जन्मधन उत्सव, परम धन उदय, दया धन उर्मी, एक धन उनविंशति। तेन धन उक्तम, गंगा धन उर्मी। तो इस तरह से जो है यहां पे आपके सामने कुछ नया उदाहरण दिए गए हैं। जैसे और भी उदाहरण है, सूर्य धन उदय, पर धन उपकार, हित धन चलिए पहले इनको कर लीजिए फिर आगे हम और करेंगे थोड़े से। जैसे जन्मदिन उत्सव, जन्मोत्सव, परम धन उदय, परमोदय, दयाधन उर्मी, दयोर्मी, एक धन उनविंशति, एकोनविंशति, तेन धन उक्तम, गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, परधन उपकार, परोपकार। उसी तरह से वृक्षधन उपरी, वृक्षोपरि, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, परीक्षा धन उत्सव,
परीक्षा धन उत्सव परीक्षोत्सव महाधन उदय महोदय उदकांतम तो बना उदकांतम गंगाधर उद्गम गंगाधर उद्गम गंगोदकम तो इस तरह से जो है वो आपके इसके गुण संधि के दूसरा नियम अ या आ के पश्चात यदि दीर्घ लघु या दीर्घ उ हो तो वहां ओ हो जाता है। जैसे महाधन उल्लासेन मोहल्लासेन जन्मधन उत्सव जन्मोत्सव परमधन उदय परमोदय दयाधन उर्मी दयोर्मी एक धन उन्विंशति एकोन्विंशति तेन धन उत्तम तेनोत्तम गंगाधन उर्मी गंगोर्मी सूर्य धन उदय सूर्योदय पर धन उपकार परोपकार वृक्ष धन उपरी वृक्षोपरी पुरुष धन उत्तम उत्तम पुरुषोत्तम परीक्षा धन उत्सव परीक्षोत्सव महाधन उदय महोदय आ धन उद्गम उद्गांतम आधन उद्गांतम उद्गांतम गंगाधन उद्गम गंगोद्गम। तो इस तरह से जो है गुण संधि का ये दूसरा नियम जो है वो पूर्ण होता है। नियम कहता है नंबर तीन अ या आ के पश्चात यदि री हो तो वहां पर अर हो जाएगा। जैसे देखिए राजधन ऋषि नियम कहता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। ये हमारा प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण है यहां पर अ और यहां पर है री। नियम कहता है अ या आ जब री के साथ मिलता है तो अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर आया रा ज हलन अर में र हलन और शी। हिंदी तथा संस्कृत की वर्णमाला में नियम है कि र कभी भी आधा नहीं लिखा जाता, वो अपने से पीछे वाले वर्ण पर चला जाता है। तो यहाँ पर रा अ ज में से मिल गया बन गया राज और ये शी और र चला गया श के ऊपर। तो इस तरह से शब्द बना राजर्षि। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए कृष्ण धन रिद्धि ग्रीष्म धन ऋतु वसंत धन ऋतु राजधन ऋषि महाधन ऋषि ब्रह्माधन
सत्य धन ऋषि। तो अब हम इन उदाहरणों को कर लेते हैं। नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऋ होना चाहिए, तो वहां पर अर हो जाएगा। तो बना कृष्ण रिद्धि ग्रीष्म ऋतु वसंत वसंत ऋतु। राजर्षि महर्षि ब्रह्म ऋद्धि देवर्षि सप्तर्षि तो इस तरह से जो है वो आपके उदाहरण देख लीजिए। कृष्ण धन वृद्धि कृष्ण ऋद्धि, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्मधन ऋद्धि ब्रह्म ऋद्धि, देवधन ऋषि देवर्षि और सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। इस प्रकार से जो है वो आपकी गुण संधि के जो है वो तीसरा नियम यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो आपको यह कार्य करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब हम आगे जो है अंतिम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सूत्र कहता है कि यदि अ या आ के पश्चात री होता है तो वहां अल हो जाएगा। यदि अल होता है तो जैसे देखिए मम धन ऋकार अंतिम वर्ण यहां पर अ या आ होना चाहिए, हमारे पास में अ है। अगर उसके बाद ऋ होता है तो ऋ के स्थान अ और ऋ मिलके और ल बना अल बना देते हैं। तो बना मा मालन अलकार तो शब्द बना ममलकार। उसी तरह से तव धन लिखा तवलकार। तव धन रिदंत तवल दंत। इस प्रकार से ये आपके यहां पर इस तरह से रूप निष्पन्न हो गया। तो आज आप लोगों ने जो है इसके अंदर गुण संधि में आपने चार नियम पढ़े। चौथा नियम था अ या आ के बाद यदि लि होता है तो वहां अल हो जाता है, जैसे मम धन लिकार ममलकार, तव धन लिकार तवलकार, तव धन रिदन तवल तवल दंत। इस प्रकार से जो है वो गुण संधि का आपका जो है वो चौथा नियम भी पूर्ण हो जाता है। तो अब हम यहां पर आगे पढ़ने जा रहे हैं तीसरी संधि यण संधि। यण संधि कहती है इको यांची इको यांची जो है वो सूत्र है इसका। अब इको यांची का अर्थ क्या है वो सुन लीजिए। अच के पैर अच के परे इक रहते यण आदेश होता है
अब आपको सीधा अगर समझना है तो देखिए, इक्वेशन जी कहता है कि ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर हो, असमान का अर्थ है ई या दीर्घ ई नहीं होना चाहिए, तो वहां पर यह हो जाएगा पूर्ण करें। ये आपको कार्य जो है वो करना है। धन्यवाद।